मुझे तुझे मारना होगा लड़के। तेरा काल तुझे यहाँ पर लेकर आया है। हाँ, काल मुझे खींच लाया है, किंतु किसका काल? ये तुम्हें कुछ समय में ज्ञात हो जाएगा। ये गदा देख रहे हो कृष्णा? शिव जी की देह हुई गदा है। जब तक ये शिव जी की देह हुई गदा मेरे पास है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नहीं नहीं, मैं कुछ बिगाड़ने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो सुधारने आया हूँ। तुम्हें शिव जी ने ये गदा असहायकों की सहायता के लिए दी थी, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए नहीं। तो आप सीधे सीधे बताओ, कहाँ है मेरे वृंदावन वासी? अच्छा, जानना चाहता है तो सुन, तुम्हारे गांव के लोग यहीं इसी गुफा में बंदी हैं। अच्छा, तो हट जाओ मेरे मार्ग से, या फिर स्वयं उन्हें मुक्त कर दो, अन्यथा तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। मेरी शक्तियों का अनुमान भी है मूर्ख लड़के तुझे? नहीं, मुझे तुम्हारी शक्तियों का कोई भी अनुमान नहीं है, इसीलिए तो तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ, जिससे पता चल जाएगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो गदासुर। अच्छा, तो तू मेरी शक्ति का परीक्षण करना चाहता है? तो देख, मेरी शक्ति का परीक्षण। देखा तूने? देखा, अब ये सैनिक भी अदृश्य होकर मेरी गुफा में बंदी बन चुका है। इस चमत्कारी गदा के प्रभाव से मैं किसी को भी अदृश्य करके अपना बंदी बना सकता हूँ। मैं अजय हूँ, अजय। बस इतने में ही भयभीत हो गए तुम? नहीं नहीं, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि मेरी मृत्यु के पश्चात लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? लोग जा, नहीं बताता तुम्हें। मूर्ख लड़के, चुपचाप बता दे, क्या कहेंगे लोग? मेरी वीरता और पराक्रम के गुणगान करेंगे लोग, है ना? अरे, काहे का गुणगान गाएंगे गदासुर? अपितु मेरी मृत्यु के पश्चात सभी लोग तुम्हारी निंदा करने वाले हैं। तुम्हें अपयश देंगे कि महान गदासुर ने एक निहत्थे बालक को मारने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। अब स्वयं ही देख लो, मुझे क्या है? मेरी मृत्यु तो दोनों स्थिति में होगी। समस्या तो तुम्हारी है, क्योंकि अपनी निंदा सुनकर जीना बहुत कठिन है गदासुर। मेरी मृत्यु के पश्चात तुम कायर कहलाओगे। नहीं, गदासुर को कोई कायर नहीं कह सकता। उसे कायर ही तो कहेंगे। चुप हो जा, तू मुझे कायर कह रहा है? कायर, अंतिम बार और सुन लो, कायर कायर कायर। अभी तुझे बताता हूँ। श्री कृष्ण गोविंदा।
तुम शस्त्र का प्रयोग कर रहे हो? अस्त्र? मेरी गदा, मेरी गदा। गदासुर!